यूरो नॉर्म्स देखते रहिएगा नोट्स साथ में, नोट्स यह नोट्स देखते रहिए। यहाँ पर समझाऊँ आपकी वाला क्वेश्चन यूरो नॉर्म्स, ठीक थोड़ा सा कंप्लीट हुआ था, बताया था मैंने यूरो नॉर्म्स क्या होता है। कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में गवर्नमेंट ने बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं? ऑयल कंपनी और ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए। ऑयल कंपनियों को क्या निर्देश दिया गया है कि आप जो है अपने पेट्रोल या डीजल में क्या कम करिए, सल्फर कम करिए और एरोमेटिक कार्बन का परसेंटेज कम करिए ताकि इंजन को नुकसान ना हो और पॉल्यूशन ना हो। और ऑटोमोबाइल कंपनियों को क्या बोला गया है कि आप अपने इंजन को अपग्रेड करिए, उसको नया चेंज करिए, इंजन को बदलिए, नया नया ठीक है अपडेट करना है। तो यूरो नॉर्म्स थर्ड और फोर्थ मैंने लिखा हुआ है इसमें। यूरो नॉर्म थर्ड में पेट्रोल में सल्फर की कंसंट्रेशन बताई गई है जितनी भी दी हुई है। और यूरो नॉर्म फोर्थ में क्या होगा देखते रहिए। यूरो नॉर्म फोर्थ में पेट्रोल और डीजल में सल्फर की कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज भी क्या हो गया, घट गया, मतलब पेट्रोल इनपुट में सुधार लाएगा, पेट्रोल को और बेहतर बनाएगा, ठीक है। इंडिया में इसको भारत स्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे एक केस स्टडी दिया हुआ है। केस स्टडी का मतलब समझ रहे हैं, इस चैप्टर में आपको कई जगहों पर मिलेगा केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब होता है उससे संबंधित अध्ययन। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ एयर पॉल्यूशन की केस स्टडी का मतलब क्या है कि एयर पॉल्यूशन के बारे में क्या क्या किया गया है, ठीक है, कौन सा ऐसा सुधार किया गया है, कोई काम किया गया है कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ वर्क किया गया है। तो जो उस किसी पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो काम किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, उसे बोलते हैं केस स्टडी। जैसे एयर पॉल्यूशन की केस स्टडी क्या है, देखिए 1990 में दिल्ली जो था, दिल्ली 1990 में ठीक है चौथा रैंक पर था, 41 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में चौथे नंबर पर था। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने क्या किया, PIL दाखिल किया। PIL जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट और रिजिशन, ये क्या होता है, एक एप्लीकेशन सामूहिक रूप से, ठीक है। एक होता है पर्सनल अपने फायदे के लिए, PIL पर्सनल नहीं होती है, ठीक है, वो सामूहिक रूप से पब्लिक की जब समस्या होती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की जाती है उसको बोलते हैं PIL, जिसमें सामूहिक रूप से क्या होता है पब्लिक का फायदा होता है, ठीक है। डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो फाइल किया गया था, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा था, उसने क्या डायरेक्शन दिया, वो बोला ऐसा है कि अपना फ्यूल में थोड़ा सा सुधार लाइए, ठीक है, और ऑटोमोबाइल कंपनी को इंजन अपडेट करने को बोला गया। उसके बाद में CNG का प्रयोग करने के लिए बोला गया और बोला जितने ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको आउट कर दीजिए, ओल्ड व्हीकल्स को मत प्रयोग करिए, ठीक है, समझ में आओ, कैटलिटिक कन्वर्टर लगाइए, समझ में आ रहा है। आगे देखिए CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का बेनिफिट क्या होता है, CNG क्या है, फ्यूल है, इसका फायदा ये है कि पॉल्यूशन कॉज नहीं होता है, चीप है, सस्ता पड़ता है पेट्रोल से, ठीक है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, एवरेज अच्छा मिलता है, और फ्यूल में से एवरेज अच्छा मिलता है। और क्या है, कंप्लीट कंबस्चन, मतलब जो CNG है वो पूरी तरीके से कंबस्ट हो जाती है, उसमें कोई पॉल्यूटेंट नहीं बचता है। जैसे पेट्रोल और डीजल का जब इंजन में प्रयोग होता है तो पेट्रोल डीजल में सारा कुछ जलता नहीं है, कुछ चीज़ें बची रह जाती हैं, जलता ही नहीं है, बर्न ही नहीं होता, उसको बोलते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो पॉल्यूशन कॉज कराते हैं। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, और एक फायदा इसका ये है कि चोर इसको चोरी नहीं कर सकते हैं। लिखा है नॉट बी साइफंड आउट बाय थीव्स, थीव्स जो है चोर इसको साइफन आउट नहीं कर सकते हैं, चुरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गैस सिलेंडर में प्रयोग होता है उस तरीके से, CNG उस तरीके से नहीं कि बाइक का खोला था और वो पेट्रोल निकाल के लेके चलते बन गए, ऐसा नहीं होता CNG में, ठीक। इसका नुकसान क्या है CNG का, पाइपलाइंस के थ्रू इसको CNG को नहीं भेज सकते हैं, एक्सप्लोसिव है, ठीक है, आग लग सकती है तो पाइपलाइन के थ्रू इसको भेजा नहीं जा सकता है, इसका स्टोरेज जो है आसानी से नहीं कर सकते, मिनिमम व्यवस्था ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है इसको, पेट्रोल डीजल में कंप्रेस नहीं करना है ना उसको, तो तुरंत, लेकिन ये गैस है इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, और हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, CNG के स्टेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, पेट्रोल पंप
मेथड एयर पॉल्यूशन को कैसे घटाएंगे, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कैटलेटिक कन्वर्टर लगा के घटा सकते हैं। एयर पॉल्यूशन कम करना है तो कैटलेटिक कन्वर्टर लगाइए बाइक ऑटोमोबाइल में। और दूसरा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ले समझ लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, प्रेसिपिटेटर और एक होता है स्क्रबर, स्क्रबर ठीक। और एक क्या बताया था कैटलेटिक एयर पॉल्यूशन में, अगर इन्वायरमेंट में कार्बन के पार्टिकल हैं ठीक है, डस्ट के पार्टिकल हैं, ये सब क्या है, ये पार्टिकुलेट मैटर है भाई। एयर पॉल्यूशन में पॉल्यूटेंट क्या क्या हो सकता है उसमें आप बोलेंगे, पॉल्यूटेंट में सॉलिड पार्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ पार्टिकल गैस स्टेज में रहते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैसियस पॉल्यूटेंट हैं। ऐसे प्रदूषक जो गैसीय अवस्था में रहते हैं, कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं वातावरण में जो क्या है पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, उसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। तो हम कैटलेटिक कन्वर्टर से क्या हटाए थे, देखे थे पार्टिकुलेट मैटर की जो है गैसेस पॉल्यूटेंट क्या हटाया था हमने, फिर से देख लीजिए क्या हटाया था, कन्वर्टर सल्फर डाइऑक्साइड हटाया था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हटाए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड हटाई थी ना, उसमें कैटलिस्ट को यूज किया गया था। तो आपके लिए गैसेस पॉल्यूटेंट को रिमूव करता है, याद रखिएगा इस चीज को, किस चीज को रिमूव करता है, गैसेस पॉल्यूटेंट ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वायु प्रदूषण में किस चीज को हटाएगा, ऐसा वायु प्रदूषण जो पार्टिकुलेट मैटर से हो रहा है, जो सॉलिड पार्टिकल से हो रहा है ठीक है, उसको हटाएगा, ये किसी गैस को नहीं रिमूव करेगा, इससे वातावरण में कोई गैस नहीं, गैस में जो सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल को हटाएगा, ऐसे प्रदूषक जो सॉलिड होते हैं ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स को हटाएगा, उसको क्या बोलते हैं आप, पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। और इसलिए किसको हटाएगा, ये गैसेस पॉल्यूटेंट को हटाता है, किसको, गैसेस पॉल्यूटेंट, इसे पॉल्यूटेंट भी तो कई तरीके से होते हैं ठीक है। वायु प्रदूषण जो है उसमें दो तरीके के पॉल्यूटेंट, या तो सस्पेंडेड मैटर होता है या फिर गैस पॉल्यूटेंट, इसको समझना है। इसको कहाँ यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में, कहाँ यूज करते हैं, इंडस्ट्री में जहाँ कार्बन के पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल रिमूव होते हैं, निकलते हैं, उसको हटाने के लिए इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्या होता है इसमें देखिए, इसमें जैसे ये है, एक पूरा सिस्टम होता है इस तरीके का, एपरेटस होता है, उसमें यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज वायर, ये जहाँ पॉइंट लगा है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में ये कमरा है, अब इस कमरे में ऐसे लंबाई में ऐसे 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 करके तार लगा दीजिए, बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज वायर, क्योंकि ये तो कट सेक्शन है ना, वायर ऐसे लगा लगा हुआ वायर, अब कट सेक्शन में आपको हीट दिखाई देगा ना ठीक है। इस तरीके का पूरा ये सिस्टम है, उसमें बीच में वायर लगे हुए हैं जो मेरे लिए चार्ज है, इसके बाद यहाँ पर लगी होती है प्लेट्स, क्या लगी होती है प्लेट्स, ये प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज होती है, इनको अर्थ से अटैच करा देते हैं, इनको अर्थ से दे देते हैं, इनको ग्राउंड कर देंगे, मतलब ग्राउंड से अटैच करा दी जाएंगे, तो ये कैसे रहेंगे पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनको अर्थ दे मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दे, वहीं आ रहा है। अब यहाँ से जो डर्टी एयर आएगी, गंदी हवा जब यहाँ से आएगी, ये डर्टी एयर गंदी हवा आ रही है, इसको यहाँ से साफ होगी कैसे निकलेगा, हवा साफ हो जाएगा तो कैसे, इस डर्टी एयर में कार्बन के पार्टिकल होंगे, डस्ट के पार्टिकल होंगे, कार्बन डस्ट ये सॉलिड पार्टिकल सब होंगे, ये नेगेटिवली चार्ज जो वायर लगा हुआ है हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई दे देंगे ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो पाया, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराएगा, मतलब इसके सराउंडिंग में जैसे बोलते नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, वैसे आप समझिए कि इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, क्या जनरेट हो गया, इस तार के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं कोर।
कोरोना, वो वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये क्या है, चार्ज कोरोना, सॉरी डिस्चार्ज। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, जो डिस्चार्ज हुए, वो सराउंडिंग में आकर के इकट्ठे हो गए, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हुए, उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कराया, वही है डिस्चार्ज कोरोना लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोरोना का मतलब क्या, वो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का एक पूरा घेरा है। अब यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज कोरोना क्रिएट हो गया, जैसे वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे इसको आई वोल्टेज से, तुरंत क्या है इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होंगे और सराउंडिंग में डूबने लगेंगे। अब यहाँ से जब ये पार्टिकल आ रहे हैं, देखिए कि जैसे यहाँ पर गुजरेंगे पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, चुंबक की तरह उसको उसको अट्रैक्ट कर दिया है। इसमें ध्यान क्या रखा जाता है कि वेलोसिटी का पार्टिकल जो हवा भेज रहे हैं इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ना हो, जानते हैं स्पीड अगर तेज होगी हवा की तो हवा की स्पीड बहुत तेज़ से निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई जानवर बैठा हुआ है प्रीडेटर, और एक जानवर बहुत तेज़ी से उसके सामने से निकल गया तो कैसे खा पाएगा, उसको नहीं खा पाएगा, जब धीरे धीरे जाएगा वो तभी तो उसको पकड़ के खाएगा। सर जी ऐसे एयर प्यूरिफायर मशीन बना यहाँ से जितनी स्लो स्पीड से यहाँ से ये पार्टिकल डस्ट यहाँ आगे बढ़ेगी उतना ही उसके चारों तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा, उतना ही अच्छे से यहाँ अट्रैक्शन होगा, बहुत तेज़ स्पीड से निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं हो पाएगा पार्टिकल्स के चारों तरफ, उसके चारों तरफ निगेटिव चार्ज भी तो होना चाहिए ना, बहुत तेज निकल गया तो चार्ज नहीं हो पाएगा, इसलिए स्लो स्पीड से चलना है। तो इसका क्वेश्चन आता है कि इसको कहाँ यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में किसी पार्टिकल मैटर को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन, ये जो विंड की स्पीड जो होती है, डर्टी एयर की जो स्पीड है वो स्लो क्यों रखी जाती है, ताकि एयर में जो पार्टिकल है उनके सराउंडिंग में ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं, इसलिए रखा जाता है। अगला है स्क्रबर, ठीक है। स्क्रबर होता है गैसेस पॉल्यूटेंट, इसको हटाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड डस्ट को भी यूज करना पड़ता है, एयर है वो मतलब किसी मशीन से पास कराया जाता है, कैसे नाम की एटमॉस्फेयर एयर को, ये एयर जानते हैं कहाँ से आ रही है, ये एयर जो है एटमॉस्फेयर से आ रही है, जो आपका इंडस्ट्री में जो खतरनाक गैसें बन रही है, इंडस्ट्री में चिमनी निकलती है ना, चिमनी क्यों वैसे वही लगा देते हैं इसको, तो गंदी एयर निकलेगी और साफ एयर वातावरण में मिलती है, ठीक है। एग्जॉस्ट लगाया जाता है, स्क्रबर में गैसेस पॉल्यूटेंट को भी हटाते हैं, कुछ अमाउंट में क्या है पार्टिकुलेट मैटर भी हटा सकते हैं। कैसे इसमें डायग्राम में बना हुआ है, इस तरीके से देखिए ये सिस्टम होता है, इसको भी चिमनी में सेट कर देते हैं, एग्जॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के एग्जॉस्ट में जहाँ से डर्टी एयर आ रहा है, यहाँ से कैसी एयर आ रही है डर्टी एयर, यहाँ से ऊपर से हम क्या चीज लेकर आएंगे इसके ऊपर में, ये हवा यहाँ से आएगी, इसमें आप ऊपर से लाइन वाटर, लाइन यहाँ पर वाटर चूना या चूने का पानी जो होता है उसको स्प्रे कराएंगे, जब स्प्रे कराएंगे डर्टी एयर में जितने पार्टिकुलेट मैटर या सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड ये रिमूव कर जाएगा कैल्शियम के साथ, कैल्शियम सल्फेट बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड लाइन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, बन जाएगा ना, और कैल्शियम सल्फेट ही इकट्ठा हो जाएगा और ये एयर प्यूरीफाई मतलब इस एयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड थी ऊपर न जा करके वो यहीं रुक गई, क्योंकि लाइन वाटर में कैल्शियम था उसने एक कर दिया उसके साथ, बन गया कैल्शियम सल्फेट। पार्टिकल चूंकि जो ऊपर से कोई चीज़ स्प्रे हो रही है तो पार्टिकल तो ऑलरेडी नीचे ही रुक जाएंगे ना, एयर ही तो ऊपर लिफ्ट करेगी ना, पार्टिकल तो वैसे ही रुक जाएंगे। आपको सोचिए बारिश हो रही है और इन्वायरमेंट में डस्ट है, तो डस्ट क्या वो टंगी रहेगी इन्वायरमेंट में, नहीं बारिश हो रही है डस्ट नीचे आ जाएगी, आ जाएगी ना, मतलब हाँ हाँ नीचे जो है
इम्प्योरिटी चाहे इकट्ठे हो जाएंगे प्योर एयर ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, बस लाइव वाटर इसलिए यूज करें क्योंकि हमको इसको हटाना है, सल्फर डाइऑक्साइड वॉस गैस इज पॉल्यूटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड, मेरे अच्छा खासा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये सब क्या है पॉल्यूटेंट। सर बताइए उसमें क्या होता है? उसमें बायोगैस में मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जमीन के अंदर टैंक होते हैं और उसमें बना रखे बताया। आगे पेज पर आ जाइए, नॉइज पॉल्यूशन आप ध्यान से सुनते रहिए, आप हम इसको सुनते रहिए। देखिए 1986 ईस्वी में 1987 में यहाँ दिया है, 1986 में जब एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नियम जो बनाया गया, एक एक्ट आया, कानून आया, वो 1986 में आया था, उसमें थोड़ा सा संशोधन 1987 में किया गया। तो 1987 में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट लिखा हुआ, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, इसमें किया गया एयर पॉल्यूशन एक्ट 1986 में था, उसको 1987 में एक साल बाद थोड़ा संशोधित कर दिया गया, उसमें क्या जोड़ दिया गया नॉइज पॉल्यूशन, उसमें नॉइज पॉल्यूशन को जोड़ दिया गया। आगे देखिए नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता, सबको पता है कि अगर बहुत तेज शोर होगा समस्या क्या है, सभी ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन की यूनिट क्या है, डेसिबल में नॉइज को नापते हैं, आवाज को डेसिबल में नापते, लिखा हुआ इसमें। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन को, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ध्वनि प्रदूषण को, तो देखिए कंट्रोल करने के लिए आप ऐसा सिस्टम लगाएंगे, ऐसे मटेरियल्स का उपयोग करेंगे जो आवाज़ को अवशोषित कर लें, साउंड को एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, जैसे जो ऑडिटोरियम होता है वहाँ पर जो कमरा बना होता है वहाँ पर फाल्स सीलिंग की जाती है, फाल्स सीलिंग समझ रहे ना, ये छत है ना, आप दुकानों में देखते होंगे इस छत के नीचे भी एक जो है प्लाई की छत लगा दी जाती है फाल्स सीलिंग है, दीवार है, दीवार पर जो है बढ़िया प्लाई लगा देंगे ऐसे प्लाई, ठीक है, लगेगा लकड़ी है, दीवार नज़र नहीं आता, वो सीमेंट का दीवार नहीं, वो लकड़ी नज़र आता है, फर्नीचर टाइप की लकड़ी प्लाई लगा देंगे। वुड क्या करती है, वुड साउंड को एब्जॉर्ब कराती है। ठीक है, अभी सोचिए कमरा है, इस कमरे में सारे ये बेंचेस हटा दीजिए, कोई ना बैठा हो, आवाज़ गूंजेगी, जितना कबाड़ा भर दीजिए उतना ही आवाज़ कम गूंजेगा, साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है, जितने पॉपुलेशन बैठी रहेगी उतनी साउंड क्या होगी आपका। ठीक है, तो वुड एक अच्छा खासा साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में रोड के किनारे चूंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, घर में आवाज इतना नहीं लकड़ी से एब्जॉर्ब होंगे ध्यान से, वही मेरे सर जब लकड़ी का घर बनाए तो उसमें अगर हम चिल्लाएंगे तो आवाज़ नहीं पाएंगे। सुनिए ऐसे, जो रोड के किनारे पर जो प्लांट लगाते हैं उसका एक फ़ायदा ये भी है कि नॉइस पॉल्यूशन को कम करता, प्लांट जो है आवाज़ को नॉइस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लकड़ी क्या है, प्लांट का ही तो एक प्रोडक्ट है, वुड जब साउंड को एब्जॉर्ब करती है प्लांट भी साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट जो सड़क के किनारे जो प्लांट लगाए जाते हैं इनको साउंड पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रीन मफलर्स। ग्रीन मफलर का मतलब मफलर समझ रहे ना, ये मफलर नहीं, ग्रीन मफलर का मतलब होता है कि प्लांट को यूज करना किसके लिए, साउंड को, साउंड प्रदूषण को कम करने के लिए पौधों का प्रयोग करना, भाई पौधे ग्रीन होते हैं ना, पौधे क्या है ग्रीन है, तो ग्रीन मफलर से हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल, देखिए हॉस्पिटल स्कूल और क्या है कोर्ट का जो एरिया होता है न्यायालय, वहाँ पर लिखा रहता है साउंड प्रूफ जोन, आप वहाँ बहुत तेज़ी से हॉर्न नहीं बजा सकते, समझ में आया, बजा के निकल गई, लेकिन अगर मान लीजिए कोई चाहे तो कार्रवाई उस पर कर सकता है, ठीक, लिखा रहता है साउंड प्रूफ जोन। हाँ आगे देखिए, इसके बाद वाटर पॉल्यूशन पर आते हैं, वाटर पॉल्यूशन देखा जाए ये इसका नियम कब आया था, वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था, सारे एक्ट याद रखिएगा, एयर पॉल्यूशन एक्ट जो है कब आया था 86, उसको अमेंडमेंट किया गया संशोधन 1987 में, नॉइस को जोड़ा गया उसमें, 1974 में वाटर पॉल्यूशन एक्ट आया। ठीक,
इसके बाद में अगर देखा जाए पानी में जो अशुद्धियाँ होती हैं, एनसीईआरटी में कैसे बना हुआ है डायग्राम, उसमें देख लीजिएगा, अशुद्ध वाटर में केवल 0.1% अशुद्धियाँ होती हैं। इम्प्योरिटीज कितनी है? 0.1%। जो सीवेज होता है, कचरा है, इसमें 0.1% अशुद्धियाँ हैं। बाकी सब क्या है? बाकी सब वाटर है। मैक्सिमम क्या होता है वाटर? अशुद्धियाँ बहुत कम। अब अशुद्धियाँ कितने तरीके की हो सकती है? देखिए लिखा हुआ है, कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो सस्पेंडेड होती हैं पानी में, ऐसे ही तैरती रहेगी, वो ना तो घुलेंगे ना कुछ, पानी में रहेंगी, ऐसे फ्लोट करती रहेंगी, सस्पेंड रहेंगी, जैसे मिट्टी होता है, सिल्ट और क्ले, ठीक है, ये चिट्टी मिट्टी और सिल्ट मिट्टी होती है, ठीक है, ये पानी में सस्पेंड रहता है। दूसरा क्या है? कोलाइडर। कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं पानी में जो घुली हुई अवस्था में होती हैं। कोलाइडर सॉल्यूशन पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, घुलनशील, ठीक है, जो घुली हुई रहती है अशुद्धियाँ, जैसे मान लीजिए पेपर खराब हो गया, खाना जब किचन से जो है खराब होकर बाहर जाता है तो घुल जाता है पानी, ठीक है, ह्यूमन का एक्सक्रीटा वो क्या है? सस्पेंडेड कोलाइडर में आएगा, ठीक है, बायोलॉजिकल मटेरियल लिखा हुआ ना, पेपर है, पेपर गल करके मिल जाएगा उसमें, ठीक। डिसॉल्व इम्प्योरिटियाँ, ऐसी इम्प्योरिटियाँ जो पूरी तरीके से पानी में घुली होती है, पूरी तरीके से मानी खुली, समझ में आया? अब आगे देखिए, एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसको आपको बुक से रीड करना है, कि सीवेज को जब हम गंदे पानी को नदी में छोड़ते हैं तो उसका प्रभाव क्या है। ये एनसीईआरटी से डायग्राम पढ़िएगा, मैं समझा दे, जैसे मान लीजिए ये कोई नाला बन, ये कोई नदी बह रही है, बिना सीवेज ट्रीटमेंट की पहुँचा दिया, ये नदी बह रही है और आपने सीवेज को कचरे को नदी में मिला दिया, देखा उसको ये साफ नदी बह रही है, तो देखते होंगे जैसे ही कचरा यहाँ पर पहुँचेगा तो ये पानी को इधर से साफ आ रहा है, कैसा वाटर आ रहा था? क्लीन वाटर आ रहा था, इधर से जहाँ से कचरा पहुँचा वहाँ से सीवेज जहाँ मिक्स किया साफ वाटर में, ये एरिया थोड़े समय के लिए लगेगा वहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। जिस पॉइंट से सीवेज को डिस्चार्ज किया जा रहा है यहाँ पर पानी बहुत गंदा हो जाएगा, होगा ना, समझ में आता है? नाला है, यहाँ से पानी जा रहा है, ये साफ पानी इधर से आ रहा है, ये वाटर यहाँ का, यहाँ का जो वाटर साफ आ रहा है तो एकदम गंदा हो जाएगा, लेकिन जैसे ये वाटर आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लीन होगा, फिर से साफ हो जाएगा, लगते नहीं है पानी साफ, बहाव वाला पानी साफ हो, जो साफ होगा फिर उतर सकता है पानी आगे साफ, पॉल्यूशन नीचे बैठने लगेगा या किनारे हो जाएगा। देखिए इसको अगर एक ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे, बताइए यहाँ पर बी होली का हाल क्या होगा? बी होली इस एरिए में हाई होगी, लो होगी? हाई होगी, क्योंकि पॉल्यूशन जितना ज़्यादा वाटर में होगी उतनी ज़्यादा होगी, माइक्रो उतना ऑर्गेनिक मैटर, ठीक, बी होली हाई होगी। जैसे जैसे इसको देखिए यहाँ पर आप ग्राफ पर देखेंगे तो हाई बी होली का देखिए, एक ग्राफ देखिए ऐसे बनाया गया, डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम ऐसे बनाया गया है और ये डायग्राम को ये फर्क दोनों जानने क्या है, ये वाला कर्व देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ है, ये डीओडी का कर्व है या डीओ का कर्व है, बताइए, ये डीओ का कर्व, डीओडी का कर्व क्या है? नीचे वाला, एक मिनट को दिखा देंगे, देखिए पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज क्या दिया, सीवेज डिस्चार्ज डिजॉल्व ऑक्सीजन, नीचे वाला कर्व है, ठीक है, यहाँ से वाटर देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, पानी साफ पानी आ रहा है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर तो पहले प्योरिटी हाई थी कि लो थी पानी, पहले प्योरिटी लो थी, पानी साफ था, पहली प्योरिटी लो थी, देखने का नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर मिलाया जा रहा है सीवेज, देखिए बुक में बना गया है, इस यहाँ नहीं मिलाया, यहाँ मिलाया जा रहा है सीवेज, इस पॉइंट पर जब सीवेज को मिलाया जाएगा साफ पानी में, उसके पहले प्योरिटी क्या थी? कम थी, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ऊँचा हुआ है ना, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ही तो पहुँच रहा, ऊँचाई इतनी है ना इसकी, इसका मतलब बी ओ डी क्या है,
जैसे ही सीवीएच को मिलाएंगे तुरंत की ओर उठ करके हाई हो गए, देखिए कब ऊपर चला गया। इस पर ऑक्सीजन का ये कारण देखिए, जैसे ही आपने यहाँ मिलाया सीवीएच को पानी गंदा हुआ और डायग्राम में देख लेंगे तो बीओडी चले गए ऊपर, बीओडी चले गए बढ़ गया ना बीओडी। उसके बाद आगे जैसे जैसे पानी जाएगा पानी साफ होता जाएगा, धीरे धीरे पानी साफ होता है कि अचानक होता है, धीरे धीरे पानी साफ, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पानी साफ होगा, बीओडी घटेगा, बीओडी धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ेगा रिवर का बीओडी क्या होगी घटेगी। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, डीओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ, जितना ज़्यादा बीओडी होता है जितना ज़्यादा पानी गंदा होता है उतना ही उसका ऑक्सीजन क्या होता है कम होता है। मोर पॉल्यूटेड वाटर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आता है, पानी ज़्यादा गंदा है पॉल्यूशन बहुत तगड़ा है बीओडी हाई है और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, भाई ऑक्सीजन कम है तभी तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। बीओडी क्या होती है, ऑक्सीजन की डिमांड कम रहेगी पानी में तो तभी तो माइक्रो डिमांड करेगी उसकी। तो देखिए यहाँ पर जहाँ से शुरुआत है यहाँ पर डीओ क्या था, पानी यहाँ साफ था, बीओडी यहाँ क्या थी जीरो कम थी बहुत कम, पानी का ऑक्सीजन शुरुआत में दिखा रहे हैं लेकिन जैसे सीवेज लाएंगे डीओ करके नीचे हो गया धीरे धीरे घटेगा, फिर ये डीओ बढ़ेगा जैसे जैसे पानी साफ होगा डीओ बढ़ेगा पानी धीरे धीरे फिर से साफ होता है। इसमें क्वेश्चन यही आता है कि एट पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज, जिस पॉइंट पर सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है उस पॉइंट पर बीओडी और डीओ के बारे में सबसे पॉइंट पर आप बोलेंगे बीओडी वेरी हाई डीओ वेरी आगे के हाँ एक समय बराबर हो जाएंगे, जितना जितना ये घटेगा उतना ही ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ही ये बढ़ेगा, दोनों एंटी वाले हैं दुश्मन का, एक बढ़ रहा है तो एक ये डायग्राम वाला हो गया। आगे देखिए वाटर पॉल्यूशन जब होता है, जब प्रदूषण तो समस्याएं क्या आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं ठीक है, मनुष्यों को जो है बीमारियाँ हो जाती हैं, जानवरों को बीमारियाँ होती हैं, वो सब अलग मैटर है। इसमें जो मेन समस्याएं हैं वो तीन हैं, एक है एल्गल ब्लूम, जल प्रदूषण से क्या होगा एल्गल ब्लूम हो जाएगा, और क्या होगा रूट नॉटिफिकेशन से उत्पन्न समस्या है ठीक है। एल्गल ब्लूम क्या होता है, जैसे मान लीजिए नदी है या तालाब है एकदम साफ सुथरा है, पानी क्या है एकदम अच्छा खासा साफ है, वाटर कैसा है क्लियर है पानी साफ है ठीक है, जब पानी साफ रहता है तो टेम्परेचर उसका होने के लिए हो रहेगा साफ है, टेम्परेचर क्या है लो ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है, समझ लेना खेत में आप फर्टिलाइजर मिला देते हैं तो खेत में जब खाद मिलाते हैं तो बोलते हैं खेत में न्यूट्रिएंट बढ़ गया, तभी तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है पैदावार बढ़ती है पौधों की। इस लेक में इस लेक यार आप पॉइंट बोलिए कुछ भी ठीक है, इस पॉइंट में क्या है अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें टोटी क्या पानी साफ का मतलब समझ लेना कि नीचे मिट्टी है ठीक है, बहुत ज़्यादा पौधे नहीं है उसमें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पौधे हो जाएंगे काई बहुत सारी हो जाएगी अर्थी ग्रो कर जाएगी तो पानी गंदा हो गया, तब तो पानी गंदा हो गया, एकदम तालाब एकदम साफ है झील है तो एकदम साफ है झील ठीक है, एकदम क्लियर है कि इसमें कोई भी जीव जंतु बहुत कम है तो पौधे कम न्यूट्रिएंट नहीं है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट नहीं है, ताज़ा ताज़ा पता है एक सक्सेशन बताया था सक्सेशन एक टॉपिक बताया था, तो अभी इसमें न्यूट्रिएंट कम है, अभी एल्गल ब्लूम नहीं बनाना है, अब क्या होगा जैसे ही आप इसका पूरा कचरा बनाना चालू कर देंगे क्या करेंगे पूरा कबाड़ा, जैसे ही जो है लेक में या पॉन्ड में कहीं से सीवेज आके मिलेगा या तो सीवेज मिलेगा या तो सीवेज मिले या तो एग्रीकल्चर का वेस्ट मिले, एग्रीकल्चर ये समझ रहे ना, जब पानी बरसता है तो जो है खेतों से पानी बह करके कहाँ जाता है नदियों में जाता है तालाबों में, और उस पानी में क्या होता है उसमें पेस्टिसाइड केमिकल
फर्टिलाइजर भी होता है, फर्टिलाइजर भी तो है, आखिर खाद आपने खेत में डाला, खाद बैठ में चली गई, पानी से कहाँ तालाब में चली गई, सुनिए ध्यान से बता रहे हैं। तो ये यहाँ आ गया, ये फर्टिलाइजर केमिकल वेमिकल सब आ गए सीवेज में, दुनिया भर के क्या है मटीरियल है न्यूट्रिएंट के ऑर्गेनिक सब कुछ, यही तो मछली है क्या है इसको न्यूट्रिशन देने का काम करती, क्योंकि इन सब में क्या है न्यूट्रिएंट्स है, केमिकल हानिकारक भी है न्यूट्रिएंट्स भी, भाई पौधे के लिए कुछ न्यूट्रिएंट भी है इसमें और कुछ हानिकारक चीजें। तो यहाँ पर होता क्या है कि एल्गी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पौधे ग्रो करने लग जाते हैं, पानी धीरे धीरे गंदा हो रहा है, देखिए उन्हें कहीं अगर आसपास में हॉस्पिटल के किनारे कोई छोटा सा पॉन्ड वगैरह बना हुआ हॉस्पिटल का कचरा जा रहा था, उसके बाद देखते हरा हरा हो गया, पूरा हरा हरा दिखाई ग्रीन दिखाई दे रहा, बहुत गंदा, मतलब एक्सेसिव एल्गी इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है पूरा एकदम ग्रीन दिखाई दे रहा, पानी दिख नहीं रहा, पानी गया कहाँ, कुछ समय बाद उसमें आई कॉर्ड में जलकुंभी और कुंभी सब ग्रो कर जाएगा, होता है ये सारी चीज़ें ग्रो कर गई। ये जो है कन्वर्ट गैस को बोलते हैं एल्गल ग्रोथ का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स और अदर एक्वाटिक प्लांट, ठीक है, एक्वाटिक पौधे या एल्गी उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना, जानते हैं ग्रोथ क्यों हुआ, न्यूट्रिएंट मिला, न्यूट्रिएंट मिला है तभी तो अभी न्यूट्रिएंट मिला, पॉल्यूशन कैसे रहेगा, एल्गी नहीं कोई पौधा जहाँ रहेगा कोई भी पौधा पॉल्यूशन कम रहेगा क्योंकि वातावरण में वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके और ऑक्सीजन को रिलीज करा रहा है। सुन लीजिए क्या ये पॉल्यूशन नहीं, यहाँ पॉल्यूशन मिल रहा है जल जिसकी वजह से एल्गी को बहुत बड़े बड़े लेवल पर फायदा ये हो रहा है कि उसको फर्टिलाइजर मिल जा रहा है, खाद मिल जा रही है ग्रो करने की, ठीक है एल्गी ग्रो कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन निकालेगा ये ऑक्सीजन जाएगी बाहर कुछ चली जाएगी वाटर, ऑक्सीजन ही तो फायदा करेगा एल्गी, क्या करेगी केवल ऑक्सीजन रिलीज कराएगी, पॉल्यूशन को कैसे घटाएगा केवल ऑक्सीजन रिलीज कराएगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन समस्या क्या आती है देखिए, जब एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर अब क्या होगा, लाइट नीचे नहीं आ पाएगा, लाइट ऊपर ही रुक जाएगा, ये एल्गी क्या करेगी, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी बढ़िया से अच्छे से ऑक्सीजन निकालेगी, ये ऑक्सीजन ऊपर एनवायरनमेंट में चली जाएगी नीचे नहीं आएगी जाता, क्योंकि पानी पर जो प्लांट बैठते हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं तो ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी, मैक्सिमम पानी कहाँ से आएगा, जो पानी के अंदर डूबे हुए पौधे हैं समस्या इनको क्रिएट हो जाएगी, ये बेचारे आपको लाइट नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा तो हरा हरा हो गया, लाइट पीछे जा नहीं पा रही है, लाइट नहीं मिलेगी जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे ढंग से, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से निकालेंगे, ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे तो अगर ऑक्सीजन नहीं निकलेगी समस्या जानते हैं क्या क्रिएट होगी, यहाँ जो मछलियाँ मछली पानी ऑक्सीजन चाहिए ना, ये वाले तो मैक्सिमम ऑक्सीजन ऊपर भेज देते थे और ये ऑक्सीजन बना नहीं पाएंगे क्योंकि लाइट नहीं मिल रहा, पौधे मर रहे हैं यहाँ के जीव जंतु कम होने लगेंगे, ये सारे वाटर की क्वालिटी खराब हो जाएगी, एल्गल ग्रोथ से क्या होता है मछलियाँ मरती हैं, जलीय जीव जंतु धीरे धीरे कम होते हैं क्योंकि लाइट नहीं आती है, सिंथेसिस पानी वाले अंदर वाले पौधे नहीं कर पाएंगे, वाटर की क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसका पीएच गड़बड़ा जाएगा, सब इसी का एग्जाम्पल वाटर हाइस एंड जलकुंभी, जो जलकुंभी या टेरर बंगाल बोलते हैं, तो यही था कीमो ऑटोट्रॉप जानते हैं केमिकल एनर्जी को नाइट्रोसोमिनास नाइट्रोकोकस, तो उनकी संख्या बहुत कम है अब कुछ बीमारियां जो जल में अगर पानी में नदी में तालाब में अगर किसी फैक्ट्री का पानी या हॉस्पिटल का वेस्ट आ रहा है तो उसमें कुछ मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, जैसे मरकरी है, कैडमियम है, लेड है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3 गैस हो सकती है, ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर मरकरी रहेगा तो मरकरी अगर वाटर में है तो मिनीमाटा डिजीज, कौन सी डिजीज हो जाती है, मिनीमाटा डिजीज में क्या होता है आपका तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र समझ रहे हैं ना, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, हाथ पैरों में सुन्नता आ जाती है, तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है मिनीमाटा में, कैडमियम से क्या होता है, इटाइट टाइट, इसमें आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, हड्डियों से संबंधित बीमारी
बीमारी है, मिनीमाटा तंत्र से संबंधित बीमारी है, ठीक है। लेड से क्या होता है, किडनी का डिसऑर्डर होता है, किडनी की समस्या है, और एनओ थ्री से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम विथ हेमोग्लोबिनेमिया, लिखा हुआ ना विथ हेमोग्लोबिनेमिया, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम में जानते हैं क्या है, हाथ बच्चे, ये बीमारी बच्चों को होती है, बच्चे में हाथ पैर जो होते हैं वो नीले पड़ने लगते हैं, क्यों पड़ते हैं, क्योंकि खून की कमी हो जाती है, क्यों हो जाती है कमी, अगर नाइट्रोजन एनओ थ्री बॉडी में चला गया, एनओ थ्री वो क्या करेगा, वो आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा, ठीक, और हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा तो ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा पाएगा, शरीर नीला दिखे, शरीर नीला दिखे क्योंकि ऑक्सीजन जा नहीं रही बॉडी में, वो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा, एनओ थ्री से बाइंड करेगा, यही ब्लू बेबी सिंड्रोम बॉडी नीली पड़ने लगती है। डायरेक्टली नहीं है, एनओ थ्री है तो एनओ, तो हम लोग नाइट्रोजन को कहाँ लेते हैं, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जाती है, नाइट्रोजन वापस वो एनओ की बात हो रही है, ये एनओ थ्री है, ये पॉल्यूटेंट है, जो एटमोसफियर में नाइट्रोजन है वो हम लोग यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो एन टू है, नाइट्रोजन एन टू जो होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल, ये एनओ थ्री है, ये पॉल्यूटेंट है, वो नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट नहीं है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वो नाइट्रोजन है प्योर, ठीक है। आगे देखिए यूट्रोफिकेशन, इसी से संबंधित एक टॉपिक और यूट्रोफिकेशन, इस पर क्या है, दोनों में थोड़ी देर से बैठे ध्यान से देखिए, जब इसको बोलते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, इसका मतलब क्या है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, लेक वृद्धि होने लगती है, नेचुरल झील जो होती है उसमें बुढ़ापा आने लगता है, पुरानी झील जैसे बहुत जो झील होती है, झील का पानी शुरुआत में क्या होता है, एकदम कोल्ड वाटर होता है, ठंडा ठंडा पानी होता है, ताज़ा जो नई झील होती है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, झील में पानी में कम होता है शुरुआत में, लो और एकदम पानी ठंडा होता है, पानी एकदम साफ होता है, क्लियर होता है, ऑक्सीजन अच्छी खासी होती है उसमें, ठीक है, लेकिन क्या नहीं होता है, ताज़ी झील में जीव जंतु बहुत कम, ताजे झील में जीव जंतु क्या है, शुरुआत में कम है, अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तब तो झील पे होल्ड हो रही, ठीक है, ताजे झील में क्या है, जीव जंतु बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक, यंग लेक में पानी साफ है, ये सब हो गया, न्यूट्रिएंट बहुत कम, न्यूट्रिएंट क्या है, क्योंकि जानते हैं डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, जब डेड बॉडी, जब कोई जीव इसमें मरेगा तभी तो डेड बॉडी बनेगी, डेड बॉडी बनेगी तभी डेड बॉडी सड़ेगी, तभी तो न्यूट्रिएंट, तो इसमें जीवों की संख्या बहुत कम है, तो ये क्या है, एकदम साफ है, अब वही सेम चीज़ अगर इसमें कहीं से वाटर पॉल्यूशन हो जाए, कहीं से पॉल्यूशन हो जाए तो क्या होगा, ये झील धीरे धीरे क्या होने लगेगी, इसमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि सीवेज से ट्रीटमेंट आ रहा है और एग्रीकल्चर वेस्ट से ट्रीटमेंट आ रहा है, मिलेगा और ये झील धीरे धीरे क्या हो जाएगी, झील की गहराई कहते हैं, झील गहराई, क्योंकि इसमें जब प्लांट एनिमल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, प्लांट ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एनिमल्स ग्रो करेंगे, और प्लांट मरेंगे या एनिमल मरेंगे तो यहाँ परिमल नीचे बैठेगी, उनकी डेड बॉडी यहाँ बैठेगी, उनमें डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, सड़ेगी डेड बॉडी, धीरे धीरे क्या होगा, ये झील इस पर नीचे बॉटम पर मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा और इसमें पानी घटता जाएगा, ये गहराई गहराई क्या हो जाएगी, अरे सक्सेशन में बताया है कि अगर कोई तालाब है और कई सालों बाद देखिए तो वहाँ जंगल नजर आता है, सक्सेशन होता है ना, वही एक सक्सेशन में भी है, एक तरीके का क्या है, जो आपको यूट्रोफिकेशन एक तरीके का ये सक्सेशन होता है, धीरे धीरे यहाँ क्या कम्युनिटी ग्रो कर रही है, नई नई कम्युनिटीज आ रही हैं और पानी को खत्म कर रही हैं और धीरे धीरे कुछ समय बाद यहाँ प्लांट बनते हैं, तो यही है कि एज का, सॉरी लेक का, झील का नेचुरल एजिंग, एजिंग का मतलब क्या है, बुढ़ापा, ओल्ड हो जाए, अब इसी को अगर ह्यूमन अपने जो है हरकतों से बाज आ करके क्या करते हैं, पॉल्यूशन ह्यूमन ही तो मेन, जिससे पॉल्यूशन को मेन कॉज कराता है ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमन अगर ह्यूमन का अगर इसमें योगदान आ जाए, इस यूट्रोफिकेशन को ह्यूमन थोड़ा सा फास्ट करते हैं, फास्ट कैसे करेगा, इंडस्ट्रीज का कचरा, दुनिया भर का कचरा यहाँ ला के मिलाएगा, तो ये और प्रोसेस तेज हो जाएगा, ठीक है, जब
इसी को बोलते हैं आगे किस प्लट की लिखा क्या है मतलब अगर यू ट्रॉफिकेशन क्या हो जाए ह्यूमन ने अपनी एक्टिविटी से क्या किया इसमें वेस्ट मिलाया जिसकी वजह से ये प्रोसेस और फास्ट हो गया एजिंग और जल्दी हो गई है इसी को बोलते हैं एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन के प्रोसेस ये ह्यूमन की एक्टिविटी से आगे देखिए बायो मैग्निफिकेशन एक टॉपिक दिया हुआ है आई जी ऑन अगर एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन होगा समस्या क्या आएगी इस लेक में क्या होगा टेम्परेचर हाई हो गया तो लेक में पानी कम हो जाएगा जानते हैं लेक कैसे हो जाएगी शैलो शैलो गहरा आपको जमीन नीचे थोड़ी दूर पर जमीन देखने लगी यही धरती है पानी में गहराई कम हो जाती है दूसरा क्या है इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा लेक का जानते हैं जब लेक में कचरा ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर कैसे हाई हो जाएगा जब लेक एकदम साफ थी झील ताजी थी एकदम साफ पानी बहुत ठंडा था जैसे ही झील गंदी हुई उसका टेम्परेचर पानी कम हो जाएगा क्योंकि गंदे पानी में बैक्टीरिया होंगे ना बैक्टीरिया होंगे नहीं होंगे पॉल्यूशन है बैक्टीरिया जरूर होंगे बैक्टीरिया होंगे रेस्पिरेशन कर रहे हैं ठंडी को रहा रेस्पिरेशन चल रहा है उनमें डिकम्पोजिशन चल रहा है डिकम्पोजिशन समझते हैं सड़न वाला कार्यक्रम भी चल रहा है ठीक है उससे एनर्जी फ्री होती है ना एनर्जी ही तो रहेगी पानी का टेम्परेचर तो हाई कर देगी ठीक है अगला है बायो मैग्निफिकेशन तो बायो मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है ध्यान से समझिए इसको मैग्निफिकेशन का मतलब जानते हैं क्या होगा मैग्नीफाई करना बायो मैग्निफिकेशन बताइए करना देखिए यहाँ दो वर्ड है एक है मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना और बायो का मतलब अगर प्लांट या एनिमल बॉडी में लिविंग सिस्टम में किसी केमिकल की कंसंट्रेशन धीरे 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 बढ़ रही है इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायो कोई भी केमिकल किसी प्लांट में या एनिमल में अगर धीरे 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 बढ़ता जा रहा उसकी कंसंट्रेशन वही इकट्ठा होता जा रहा है ठीक है इसको क्या बोलते हैं बायो कैसे होता है ऐसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है देखिए जाता है ये पानी है वाटर है ये कोई तालाब है या झील ठीक है उस पानी में अगर आपने डीडीटी मिला दिया डीडीटी आप नहीं मिलाएंगे डीडीटी तो बह के आ जाएगा पेपर से आ जाएगा ना डीडीटी जानते हैं डीडीटी ठीक है इस पानी में अगर डीडीटी की कंसंट्रेशन 0.03 लिखा हुआ कितना है 0.03 ppm ppm का मतलब समझ रहे हैं मिलियन अलग है एक मिलियन का कितना है 7.00 पे डीडीटी है वाटर अब ये पानी में जो पौधे होंगे बताइए जो प्लांट होंगे उनमें डीडीटी की कंसंट्रेशन कम रहेगा ज़्यादा रहेगा बताइए जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू ppm हो जाएगा बड़ा है ppm छोटा है ये बिलियन है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन बढ़ा रहा समझ में आ रहा है बड़ा है छोटा समझ में आ रहा है बताइए प्लांट में ह्यूमिडिटी कैसे ज्यादा हो गया वाटर में ह्यूमिडिटी कंसंट्रेशन कैसे ज्यादा हो गया प्लांट का और ह्यूमिडिटी आई होगी इसलिए ध्यान से पानी के अंदर ह्यूमिडिटी इतना है इतना पानी के आगे भी है इतना है पौधे जो ग्रो कर रहे हैं उनमें ह्यूमिडिटी इतना कैसे हो गया इतना ऐसे हो गया क्योंकि ये पौधा अपने जीवन में पता नहीं पानी कितना करेगा एब्जॉर्ब ना ये भी तो होता ना क्या एक ही बार पानी एब्जॉर्ब करेगा अगर वो पौधा अपने जीवन में एक ही बार पानी खींचे तो जो कंसंट्रेशन पानी रहती है उसकी बॉडी में तो जानी चाहिए ना लेकिन वो अपने जीवन में पता नहीं कितने बार वाटर खींचेगा उड़ाएगा पानी को अपने लिए रखेगा मन में आ रहा है कितनी बार
देगा अपना टाइम ये पॉइंट जरूरत भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, नहीं होगा ये एक बार क्योंकि जो पानी में डेंटी है पानी से प्लांट बॉडी में गया, पानी कहाँ गया, वाटर कहाँ पहुँचा, प्लांट बॉडी में पहुँचा, एब्जॉर्प्शन से इतना इसमें पहुँच गया आगे फिर उसमें पानी को खींचा, खींचा बढ़ेगा बढ़ेगा ना आ रहा है क्या चीज़ वो छोड़िए आप मैटर, वो आप भी इसको किनारे कर दीजिए, वो बढ़ेगा तो फिर और ये बढ़ेगा, वो अगर बढ़ेगा आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से अगली बार फिर डेढ़ डी पानी में आ जाए ठीक है, तो वो प्लांट का और ज़्यादा मैं बोला उसको किनारे कर दीजिए, कुछ इतना है प्लांट टमाटर में, प्लांट अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी बार डेढ़ डी यूज़ करें वाट यूज़ करेगा तो ये बढ़ता चला जाएगा। अब इस पौधे को कौन खाता है बताइए, इस पौधे को खाएंगे नेक्स्ट टाइम जो बचा हुआ है इस चैप्टर में पढ़ के आइएगा, कंप्लीट हो जाएगा सब।